हेलो स्टूडेंट्स एक बहुत फेमस प्रॉब्लम है फ्री फॉल में आप लोगों ने करी होगी मैं हमेशा क्लास में कराता हूँ कि एक बलून ग्राउंड से ऊपर जा रहा है और उससे एक जो बलून के भीतर ऐसे समझ लीजिए हॉट एयर बलून है उससे एक जो मैन था एक पर्सन था एक बंदे ने किसी स्टोन को ड्रॉप कर दिया एक बलून इज मूविंग बलून इज मूविंग अपवर्ड बलून के चलने के कुछ देर बाद ग्राउंड से ऊपर उठ चुका था कुछ देर बाद जो है स्टोन को ड्रॉप किया गया है और पूछा यह जाता है कि स्टोन ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगाएगा वॉट वुड बी द टाइम टेकन बाई द

लोग क्या करते हैं बलून की हाइट निकाल लेते हैं और फिर मान लेते हैं कि स्टोन को ड्रॉप किया गया है तो उसकी वेलोसिटी जीरो जरूर लेते हैं और फिर एस एस इक्वल टू यू टी प्लस ऑफवेट स्क्वायर लगा देते हैं और बोलते हैं ये आ गया आंसर लेकिन ये गलत है देखिए हुआ क्या है जब स्टोन को ड्रॉप किया गया था तो उस मोमेंट पे स्टोन की कुछ ना कुछ बलून की कुछ ना कुछ थी जब स्टोन को ड्रॉप किया गया था तो ड्रॉप करने का मतलब ये होता है कि जब हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट उस जिस फ्रेम से फेंका जा रहा है उस फ्रेम की वेलोसिटी को एक्वायर कर लेता है बिल्कुल वैसे ही जैसे आप चलती हुई बस से हाथ से एक रुमाल छोड़ दो तो रुमाल पहले तो वो बस की वेलोसिटी से ही चलने की कोशिश करेगा बाद में एयर फ्रिक्शन फ्री फॉल ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी हो वो बात का मामला है लेकिन वो पहले तो चलने की कोशिश करेगा क्योंकि अब तक

आपको उस मोमेंट की बलून की वेलोसिटी लेनी है जिस मोमेंट पे स्टोन को बलून से फेंका गया है पहला तो एक दो अलग अलग, अलग चीजें क्या करेंगे मैंने जो है फेंका मैंने पहले बलून को चलाया तो बलून मान लीजिए ग्राउंड से रेस्ट से स्टार्ट किया और बलून हॉट एयर बलून अपने खुद के एक्सलेशन ए से ऊपर जा रहा है तो किसी टी टाइम पे जब स्टोन फेंका गया था तो इसने कुछ हाइट चल ली एस टू टीरोक्ल टू एक्वायर कर ली अब जब स्टोन इससे ड्रॉप किया जाएगा तो स्टोन बलून की स्टोन की जो इनिशियल यू लेंगे वो तो जीरो नहीं लेंगे वो बलून वाली वेलोसिटी उस मोमेंट की एटी लेंगे दूसरी चीज इस समय वो ग्राउंड से कितनी हाइट पे है तो की हाइट पे। जैसे ही स्टोन को ड्रॉप कर दिया जाएगा तो स्टोन फ्री फॉल मोशन करेगा फ्री फॉल मोशन करने का मतलब ये है कि अब वो बलून का पार्ट नहीं है बलून भले एक्सेलेरेशन से चल रहा था लेकिन अब ये जो स्टोन होगा ये जी के एक्सिलेशन से चलेगा तो अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लें डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव तो यू को लेंगे प्लस और इस एक्सलेशन को लेंगे माइनस जी और हाइट तो हमें निकली आई है तो ये तो जैसे फ्री फॉल की अगर आपने मेरे वीडियो देखे हो तो तीन केस कराए थे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए हाइट एक कराया था थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड और एक कराया था थ्रोन फ्रॉम ए हाइट बताइए कौन सा केस है ये कौन सा केस है ये है

जीटी स्क्वायर अच्छा बिल्कुल जस्ट इसी के ऊपर मैंने एक equation, एक इक्वेशन लिखी है जो जस्ट इसकी उल्टी है उसमें देखिए मैंने एच को प्लस लिया है यू को माइनस लिया है और हाथ जी टी इक्वेशन में दोनों साइड एल एच एस और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो यही इक्वेशन बन जाएगी भाई दूसरा एक और तरीका है साइन कन्वेंशन तो अपनी मर्जी है बिंदास जो मनाए रखो ना तो अगर हम अपर डायरेक्शन नेगेटिव और डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लें तो एच जो कि डाउनवर्ड है वो पॉजिटिव रखा जाएगा जो u अपवर्ड वो नेगेटिव रखा जाएगा और g डाउनवर्ड वो प्लस रखा जाएगा तब भी वही इक्वेशन आएगी साइन कन्वेंशन से भैया आंसर पे कब फर्क पड़ता था कभी फर्क नहीं पड़ता था तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीधा चाल लगा लो और आंसर तुरंत का तुरंत तुरंक निकल आएगा तो ये आपका क्वेश्चन बलून स्टोन वाला बिल्कुल कंप्लीटली आपको हो गया मैंने जो आपको दो पार्ट्स में तोड़ के बताना बताया है क्या दो से दो पार्ट की बलून का अलग करो स्टोन का अलग करो और स्टोन को अगर ड्रॉप कर भी रहे हैं लेकिन आपको इस ड्रॉप जीरो नहीं लेनी है उस समय मूविंग बलून से फेंका गया था तो बलून जो मूवमेंट करते वक्त उस मूवमेंट पे वेलोसिटी रख रहा था वो वाली वेलोसिटी आपको लेनी है इस तरह की टिप्स और ट्रिक्स और जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको अपने आप अपडेट आते रहेंगे थैंक यू